हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग हमें ऑलमोस्ट हर ही दिन बीसीसीआई की तरफ से कोई नई अपडेट या फिर कोई नया डेवलपमेंट देखने को मिलता ही रहता है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीसीसीआई के द्वारा डिक्लेयर की गई स्पेशल पावर प्लेयर्स की लिस्ट के बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा, जहाँ पर स्पेशल पावर प्लेयर्स को क्या क्या डिफरेंट पावर्स दी गई हैं, इसके साथ ही क्या इन स्पेशल प्लेयर्स का इफेक्ट आप लोगों को मेगा ऑक्शन के ऊपर पड़ते हुए नज़र आएगा। यही सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरीके की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब मेगा ऑक्शन में। बीसीसीआई हमें हर साल कोई ना कोई नया ट्विस्ट और टर्न लाते हुए देखने को मिलती ही रहती है, और इस बार क्योंकि 8 नहीं बल्कि 10 आईपीएल टीमें हमें मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेंगी, तो इसी चीज के रिगार्डिंग बीसीसीआई भी मेगा ऑक्शन को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए हमें नए नए रूल्स को इंट्रोड्यूस करती हुई नजर आ रही है। तो अब इसी चीज के रिगार्डिंग बीसीसीआई ने स्पेशल पावर प्लेयर्स की लिस्ट जारी करने का फैसला किया है। ना सिर्फ स्पेशल पावर प्लेयर्स की लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, बल्कि इस बार इनका नंबर भी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात की जाए स्पेशल पावर प्लेयर का मतलब क्या होता है, तो स्पेशल पावर प्लेयर की बेसिकली 2 से 3 डेफिनेशन बीसीसीआई के द्वारा दी गई हैं। सबसे पहले तो इस प्लेयर की जो खासियत होगी वो ये होगी कि इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए ही होना चाहिए, यानी कि जो भी प्लेयर 2 करोड़ रुपए, जो कि एक हाईएस्ट लिमिट होती है बेस प्राइस की, वो सेलेक्ट करते हैं उन्हीं प्लेयर्स को ये टैग दिया जाएगा। दूसरी इनकी स्पेशल पावर ये है कि मेगा ऑक्शन में बार बार इन प्लेयर्स का नाम लिया जाएगा, जो कि मार्की प्लेयर्स के साथ हमें चीज होते हुए देखने को मिलती थी लास्ट ईयर तक, वही चीज को इस बार रिप्लेस कर दिया गया है कि इनका नाम मेगा ऑक्शन में आप लोगों को 3 से 4 बार देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी चीज जो है वो है इनके साथ रिमाइंडर की, यानी कि जो रेज बिडर टैग होता है, यानी कि जिस चीज से ऑक्शनीर इनका नाम पढ़ता है और उसके साथ ही वो इनके नाम की अनाउंसमेंट करता है, इनके नाम की टेम्पलेट में एक्स्ट्रा एडिशनल ग्रीन कलर को भी ऐड किया जाएगा, जिससे कि पता चल पाए कि कौन से प्लेयर्स स्पेशल पावर प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स जो हैं वो स्पेशल पावर प्लेयर्स नहीं हैं। अब गाइज, अगर बात की जाए अभी तक हर टीम से कौन कौन से 2 स्पेशल पावर प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जा चुका है, तो इस लिस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अब गाइज, अगर बात की जाए हर एक टीम के 2-2 स्पेशल पावर प्लेयर्स की लिस्ट की, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से फाफ डू प्लेसी, उनके साथ ही सुरेश रैना, मुंबई इंडियंस की टीम से ईशान किशन और उनके साथ ही हार्दिक पांड्या, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से युजवेंद्र चहल और उनके साथ ही देवदत्त पाडिकल को सेलेक्ट किया जा चुका है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से ओयन मॉर्गन और उनके साथ ही पैट कमिंस, पंजाब किंग्स की टीम से केएल राहुल और मोहम्मद शमी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम से शिखर धवन और कगिसो रबाडा को ऑलरेडी स्पेशल पावर प्लेयर्स की कैटेगरी में शामिल किया जा चुका है। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से डेविड वार्नर, राशिद खान और उनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम से बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अब अगर बात की जाए इस टोटल नंबर की, तो जैसा हमने आपको सुबह वाली वीडियो में भी बताया था कि 34 प्लेयर्स इसमें टोटल शामिल होने वाले हैं, जिसमें से अभी तक 16 प्लेयर्स को फाइनलाइज किया जा चुका है। आने वाले 18 प्लेयर्स भी आप लोगों को जल्दी ही इस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।